अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटीमेंट्स एक बार फिर पॉजिटिव नोट पे वीक के एंड में एंड होते हुए दिखाई दिए। इट मींस के ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स जो कि एक नेगेटिव जेस्चर फैलाते हुए दिखाई दे रहे थे होल वीक, हमने देखा यही विटनेस की बात, लेकिन अब हम देख रहे हैं ये नेगेटिव परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ प्रिवेल करते हुए और एक कंसोलिडेशन प्रोसेस में नजर आ रही है। यानी 40,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर अब मार्केट के अंदर अचीव भी है, सस्टेन भी है, कंसोलिडेट भी है, क्योंकि ओवरऑल मंडे से भी यही ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है कि मार्केट के अंदर इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन जो है वो एक नजर आएगी, क्योंकि इस पूरे वीक में एक लैकलस्टर बिहेवियर, रिलक्टेंट बिहेवियर मार्केट साइड से देखा गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं यही जो बिहेवियर है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाईलाइट्स में देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 40,068.49 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 40,220.73, लोअर वॉज 39,742.25 एंड फाइनली क्लोजर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन 95 पॉइंट्स के गेंस के साथ 40,164.02 पे। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 253.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 71.26 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 7.71 बिलियन रुपीज। वैल्यू वाइज अगर बात करें तो आज भी वॉल्यूम्स जो है वो श्रिंक होते हुए दिखाई दिए हैं। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.04 के डिक्लाइन के साथ 17.72 पे क्लोजर। 44.95 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। KOSM 1 रुपी का अपर लॉक 3.67 का पे क्लोजर रहा। 20.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हैस कॉल लास्टली 0.10 का इजाफा देखा गया। 15.42 पे क्लोजर। 15.24 का कारोबार रहा। यूनिटी एंड हैस कॉल अगेन जो है वो लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी मार्केट के अंदर कुछ डोमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मींस के काम हो रहा है कुछ स्क्रिप्ट्स में, कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स में, और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो एक्सक्लूसिव टॉपिक है, यानी कि एक्सपोर्ट का डायरेक्ट लिंक इसी सेक्टर से है, विच इज टेक्सटाइल सेक्टर। रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट के बाद वापस आते हैं और मजीद कंटिन्यू करते हैं। एक दिहाई तक नुकसान में रहने वाले कपड़े की सनअत, जिसे उर्फ आम में गारमेंट्स, टेक्सटाइल या फिर कपड़ा साजी के नाम से भी जाना जाता है, इस सनअत से बिलाखिर अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी और पॉलिसियों की बदौलत ये सनअत इलाके के दीगर ममालिक के मुकाबले में काबिल बनने लगी है। टेक्सटाइल का पहिया अगर अपनी भरपूर सलाहियत के साथ चलना शुरू हो गया तो पाकिस्तान के जिम्मे वाजिब अदा कर्जों से छुटकारे के लिए बेहतरीन मुआविन साबित हो सकता है। अमन अमान और मईशत की बेहतर सूरतेहाल की बदौलत आज का पाकिस्तान 2018 के मुकाबले में बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है। सनअत और तजारत के शोबे में नुमाया तरक्की हुई है, आवाम के मसाइल निस्बतन कम हुए हैं। कपड़ा साजी या फिर टेक्सटाइल सेक्टर हमारे मुल्क की एक बड़ी सनअत है। ये सेक्टर कौमी मईशत की तरक्की में अहम किरदार की अदायगी के साथ साथ बेरोजगारी पर काबू पाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इसके बावजूद ये सनत बरसों शदीद मसाइल का शिकार रही है। माजी में टेक्सटाइल की सनत नामुनासिब पॉलिसीज और तवानाई की किल्लत से दो चार रही, लिहाजा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खुद मुख्तार और मजदूरों के हकूक का तहफ़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने बंद पड़े सनती यूनिट्स को बहाल करने का फैसला किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। माहिरीन का ये भी कहना है कि मगरबी ममालिक रफ्तार रफ्तार नए तजारती ऑर्डर्स दे रहे हैं, ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मौके से भरपूर फायदा उठाकर अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर सकती है। यही नहीं, पाकिस्तान में बिजली के मंसूबों की जल्द तकमील के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब तेजी के साथ तरक्की कर रही है। हुकूमत मुल्क में छोटी सनअतों और SME की हौसला अफजाई कर रही है ताकि मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमने देखी टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। ओवरऑल अगर हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट का डायरेक्ट लिंक इस सेक्टर से है तो 80% इस बात को जो है वो यकीन बनाया जा सकता है कि अभी भी एक्सपोर्ट का दारोमदार टेक्सटाइल सेक्टर पे ही दिखाई देता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि टेक्सटाइल सेक्टर का एम्फेसिस और वेटेज कितना हमारी इकोनॉमी पे है। एक्सपोर्ट का डायरेक्ट लिंक है ये तो सब जानते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेक्टर। जैसा आपने कहा और दुरुस्त है, हमारी एक्सपोर्ट
की बैकबोन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा हमारा मुल्क इसके ऊपर डिपेंड करता है। यकीनन जब बैकबोन है तो इसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा मौजूद है, काफ़ी लोग इससे रोज़गार से वाबस्ता हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने आफ्टर कोविड-19 बहुत सारे इंसेंटिव्स एक्सपोर्ट सेक्टर को दिए। एक्सपोर्ट सेक्टर का मतलब समझ लें टेक्सटाइल सेक्टर, और बहुत सारी ड्यूटीज़ रिड्यूस करी हैं, बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग पर इंटरेस्ट रेट घटाया गया है, बहुत सारे दीगर एडवांटेजेस हैं जो पिछले 4-6 महीने से हुकूमत देती आ रही है। और गुज़िश्ता शब ही जो है केमिकल ड्यूटीज़ कम करी गई हैं टेक्सटाइल को बेहतर करने के लिए। जो केमिकल इंपोर्ट करके टेक्सटाइल अपनी यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन में, उन केमिकल्स पे ड्यूटीज हटाएं तो वो केमिकल सस्ता मिलेगा, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कल की मैं आपको लेटेस्ट खबर बताई, आपने भी देखी होगी। तो ये सारे इंसेंटिव्स हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर को दिए गए। इसके साथ साथ डॉलर की जो एप्रिसिएशन हुई है 42-45% एक साल में, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर की, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा टेक्सटाइल सेक्टर को ही हुआ है क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। तो ये सारे इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने पिछले 6-7 महीने 8 महीने में दिए, देती आ रही है, और अब उसके नतायज आना शुरू हैं जो बड़े हौसला अफजा है। हर महीने 2-4-6% की ग्रोथ टेक्सटाइल सेक्टर में हम देख रहे हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर में देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है कोविड-19 का हमें इनडायरेक्टली दो चीज़ों का हमें फ़ायदा हुआ है, एक तो ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और दूसरा कोविड-19, इसलिए कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो चाइना या अमेरिका में कैंसिल हुए, और कोविड-19 की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो यूरोप और बहुत सारे ममालिक में बंद हुई हैं पाकिस्तान में चल रही हैं, तो लिहाजा वो ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। और अभी एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स का ये हाल है कि अगले कई महीनों तक बहुत सारे टेक्सटाइल बुक हैं पाइपलाइन में है सारे जी orders. पाइपलाइन में है, उनके ऑर्डर्स बुक हो चुके हैं और उन्होंने माल तैयार करके देना है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो मैं समझता हूँ कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर और एक्सपोर्ट इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट ये अब इम्प्रूविंग है, और आइंदा आने वाले कुछ अरसे में हम इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। राइट सर, आपने कोविड का जिक्र किया है, तो कोविड का अगर न्यू स्पाइक आता है, या जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में चल भी रहा है लॉकडाउन, पाकिस्तान के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए क्या फर्दर ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, या फिर जो प्रॉपरली चल रहा है जैसा सिनेरियो वैसे ही चलता रहेगा, क्या देख रहे हैं? देखें, जब फर्स्ट टाइम मार्च में ये आया था तो पाकिस्तान पूरी दुनिया इसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, इसका इलाज क्या होता है, किस तरीके से बचा जाता है, किसी को नहीं पता था, सब घर में बैठ गए थे, इंडस्ट्रियां बंद कर दी थी। अब ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं हाउ टू डील विद कोविड-19। डेट्स वाई कोविड-19 विटनेस हुआ है यूरोप में और बहुत सारे ममालिक में, बट वहाँ पे वो डेथ रेशो नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही जो मार्च में हमने देखी थी। सिमिलरली इंशाल्लाह इट विल हैपन इन पाकिस्तान, कि हम क्योंकि जानते हैं, और उसके साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन करना भी हम सीख गए, तो इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। असल हमारा टारगेट है कि ग्रोथ या इंडस्ट्री बंद ना हो, एहतियात हो जाए, SOPs लग जाए। तो ऐसे ही है, अगर ये खुदा न खास्ता ये स्मार्टली मूव करना है, इससे टैकल करना है, स्मार्टली मूव करना, टारगेटेड हमारा काम चलता रहेगा और हम साथ साथ एहतियात भी बरतेंगे। ओके, तो ये तो हुई टेक्सटाइल की बात, लेट्स कम टू द मार्केट। आज के मार्केट में पॉजिटिव जेस्चर देखा गया है, लेकिन मैं पूरे वीक की बात करूंगी। जरा एक समरी बताइए हमारे व्यूअर्स को, और ये भी बताइए कि कौन से सेक्टर्स हैं जो लाइमलाइट में डोमिनेट करते हुए इस वीक के अंदर खासकर दिखाई दिए। इस वीक में हमारी मार्केट पे एक दो चीज़ें काफ़ी हावी रही हैं, उनकी नफ्सियात पे। एक तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस, वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा FATF, ये दो वो चीज़ें हैं जो इस पूरे हफ्ते इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पे असरअंदाज करती रही हैं, और उसकी वजह से हमारी मार्केट ने मिक्स टू डाउन ट्रेंड शो करा है। नेट यकीनन डिक्लाइन है मार्केट का, अगर हम नेट देखेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हमने देखी है वो इंडिविजुअल क्लाइंट्स वीक इन्वेस्टर होते हैं, जो ज़्यादातर लेवरेज पर होते हैं या लिमिटेड कैपेसिटी, डे ट्रेडर भी होते हैं, यस, और उनकी बड़ी सेलिंग है। तो इसलिए ये एक तरीके से एक अच्छा साइन, इसलिए मैं कहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशन की सेलिंग या बाइंग होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लॉन्ग रन इन्वेस्टर होते हैं और इनका मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें बैंक्स, कंपनीज, ये ज़्यादातर जो है वो नेट बायर्स ही रहें,
अलबत्ता इंश्योरेंस ने थोड़ा बहुत सेलिंग की है एक एक दो रोज़ में, जिसके से मार्केट डिस्टर्ब हुई, लेकिन चूंकि ये बायर रहे हैं हमेशा से, तो हो सकता है कोई ऐसी क्लेम या कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इन्हें बेचना पड़ा हो या प्रॉफिट टेकिंग करना पड़ी हो। तो ये पूरे वीक की अगर हम समराइज करते हैं तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, जिसकी वजह से हमने मार्केट में हमने फ्लक्चुएशन देखी और मिक्स टू डाउन ट्रेंड देखा। राइट सर, इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हुए दिखाई दे, वॉल्यूम्स भी श्रिंक हुए थे। अगर वैल्यू वाइज बात करें, जैसे आपने जिक्र किया, तो आज की वैल्यू को अगर स्पेसिफिक देखें तो 7 बिलियन रुपीज़ का काम हुआ है। तो इस तरीके की मार्केट में कम काम होना, यानी अभी हम लास्ट मंथ की बात करें तो 20 बिलियन रुपीज़ का भी काम डेली बेसिस पर, 23 बिलियन रुपीज़ का भी काम हो रहा था। वॉल्यूम्स भी हम हायर साइड पर टच करते हुए डेली बेसिस पर दिखाई दे रहे थे, और 2005 में जितने वॉल्यूम्स टच किए थे वो हमने 2020 में भी टच किए हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और अब ये सिनेरियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को देखना और इंटरनेशनली जो एक इक्विटीज़ का डाउनफॉल भी दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, तो अब पाकिस्तान इसे कैसे रिएक्ट कर रही है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है ये? देखें, वॉल्यूम के साथ ताल्लुक़ है, वॉल्यूम्स ना सिर्फ हायर साइड पर रहे हैं पिछले दिनों बल्कि बार बार हायर साइड पर रहे हैं। इससे कबल जो वॉल्यूम्स बढ़े थे वो चंद सेशंस के लिए बढ़े थे, उसके बाद घट गए थे, लेकिन इस दफ़ा मुस्तकिल वॉल्यूम्स ऊपर रहे और उम्मीद है आइंदा भी ऊपर रहेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ही मार्केट की जान होती है। वॉल्यूम्स होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक ब्लड, जिस तरह ब्लड सर्कुलेट बॉडी में करता है तो स्टॉक मार्केट का ब्लड उसके वॉल्यूम होते हैं। अब इसमें मैंने जैसे बता दिया आपको शुरू में कि दो चीज़ें नफ्सियात पर हावी रही हैं, उसकी वजह से एक तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस, दूसरा FATF, तीसरा COVID-19 भी लगा ले ज़बरदस्ती, तो दो तीन चीज़ें जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी एक क्रिएट हो, अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के लिए नुकसानदेह होती है, लोग डर जाते हैं, साइडलाइन हो जाते हैं या बेच देते हैं। तो ये सिलसिला रहा है इस वीक में, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस क्लियर होंगे, एक नंबर टू FATF 100% फाइनल रिपोर्ट अगले जुमे तक आ जाएगी, और उसमें इंशाल्लाह 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 उम्मीद है हम वाइट में आ जाएंगे। बहुत उम्मीदें हैं, बहुत मेहनत की है पाकिस्तान ने, बहुत अच्छी खबरें मौजूद हैं, बट फाइनल रिजल्ट जो है वो जुमेरात या जुमे को अगली आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है अगर मैं अगले फ्राइडे अगर मैं आया और हो सकता है अच्छी खबर के साथ मैं बता रहा हूँ कि FATF अच्छा हो गया, तो अगर ये हो गया तो ये अच्छा रहेगा। बट मुझे ये भी बताया ना कि अगर व्हाइट लिस्ट में चले जाते हैं तो मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी? अगर हम व्हाइट लिस्ट में चले जाते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है वो तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो मार्केट इसे कैसे रिएक्ट करेगी? इसका जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि 42,000-43,000 के इंडेक्स पे हमेशा मार्केट वापस हो जाती है, फंसती है, रुक जाती है, क्योंकि कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई ऐसी खबर ही नहीं मिल रही जो उसको ब्रेक करके हम आगे ले आए। ये वो वाइज खबर है जो इसको भी ब्रेक करेगी और अपर जो हमारा एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड है शायद उसको भी ब्रेक कर जाए। ओके, यानी कि हम 43 से अबव जाएंगे फाइनली, डेफिनेटली, क्योंकि 43 पे आके एक ऐसा बैकफुट जो है मार्केट लेती है और दोबारा पीछे जाना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 43,000, वो एक चाहती है कि सिंस 2017 हम देख रहे हैं ये बात। जी हां, इस पूरे उसमें जो है 42,000-43,000 शायद मेरा ख्याल है क्रॉस नहीं हुआ है, और वो चाहती है कि उस वक्त हमें कोई खबर मिले ऐसी, तो मुझे यकीन है ये वो खबर होगी जो उसको पार लगा देगी, क्योंकि 27,000 से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही गए और 40,000 पे जाके ब्रीथ लिया मार्केट ने, तो तकरीबन 13,000 पॉइंट्स को रैली करने के बाद। Exactly. तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो आपको मंडे से क्या दिखाई दे रहा है? कुछ पॉजिटिव स्टैंस दिखाई दे रहा है, जैसे कि मार्केट अभी बिहेव कर रही है, रेंज बाउंड एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन प्रोसेस है, 40,000 का लेवल अचीव है, नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है मंडे से जब मार्केट स्टार्ट होगी? तो देखिए, मार्केट के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, ड्राइविंग फोर्स इज पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस, वो डिसाइड करेंगे, जैसे कि दो दिन तीन दिन खासे अहम है और अगला हफ्ता भी खासा अहम है। हो सकता है कि इनिशियली वीक में हमें कोई ऐसी अपवर्ड मूवमेंट नज़र ना आए, मिक्स ट्रेंड नज़र आए, और डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस पे क्या खबरें आती हैं। साथ साथ FATF की मीटिंग्स भी चल रही होंगी, लोग उसको भी देखेंगे, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगला वीक जो है आधा तकरीबन जो है हम मिक्स ट्रेंड देखेंगे, लेकिन चूंकि फंडामेंटल इंटैक्ट है तो मैं नहीं समझता कोई बड़ी डाउनसाइड मार्केट में। अच्छा सर, इसके अलावा जो वॉल्यूम्स का हाल है, लैकलस्टर बिहेवियर दिखाई दे रहा है और कुछ डाउनसाइड मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन कम है, तो यहाँ पे एक डिप क्रिएट हो रही है, तो अगर नेक्स्ट वीक में कोई डिप क्रिएट होती है या कोई ऐसी डिप आती है तो आप क्या एडवाइस करेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं या खासकर जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी अर्से से वेट कर रहे हो मार्केट में एंटर होने के लिए, तो इज़ दिस द राइट टाइम कि वो नेक्स्ट वीक में एंट्री ले लें अगर कोई ऐसा डिप बनता है तो? कोई भी डिप
किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए और पुराने के लिए भी मैं समझता हूँ 50% वो इन्वेस्ट करे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एग्जैक्टली कोई भी डिप जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, तो नेक्स्ट वीक को ज़रा हमें फोकस करना है और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। इसके साथ साथ लेट्स कम टू सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, कौन से वीक में सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि इस वीक के अंदर नेगेटिविटी देखी गई और उससे ज़रा दूर रहा जाए, कोई ऐसा सेक्टर है जो आप देख रहे हैं? नहीं, इस वक्त मिक्स ट्रेंड रहा है लेकिन ऑयल सेक्टर में अच्छी खासी हमने नेगेटिविटी देखी क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफ़ी प्रेशर में। ऑयल सेक्टर तो आपका फेवरेट हुआ करता था, ईएनपी सेक्टर। जी, मेरा अभी भी फेवरेट है क्योंकि उनकी वैल्यूज इंटैक्ट हैं, उनके फंडामेंटल इंटैक्ट हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं चल रहे हैं। मैं समझता हूँ ईएनपी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम दिखाई है, थोड़ा सा घट गए लेकिन मैं नहीं समझता इससे कोई प्रॉब्लम बने। हाउएवर सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, ये सारे अच्छे हैं और आज अभी बैंक का रिजल्ट आया बहुत अच्छा है। हाँ, वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड इट कि अब अनाउंसमेंट सीजन शुरू हो रहा है और ये वो सीज़न है अब जो आएगा, ये इससे पहले जो सीज़न आया था कोविड-19 से मुतासिर वाले क्वार्टर्स का तो ख़राब रिजल्ट आए थे। अब इसमें क्योंकि उसके फ़ौरन बाद जब इंडस्ट्रियाँ खुली थी बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई, तो अब जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे ही आएंगे जिस सेक्टर के भी आएंगे। तो बैंकिंग के बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आज अभी बैंक का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आइंदा जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे और तमाम सेक्टर पे इसका क्योंकि अब परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। सर, ऑयल का भी जिक्र किया है तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,16,220 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 99,746 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पनोस 1,909.99 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 40.57 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 42.72 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 189 रुपीज, सेलिंग वाज 192, यूके पाउंड बाइंग रही 210 रुपीज, सेलिंग वाज 213, यूएस डॉलर बाइंग रही 162.90, सेलिंग वाज 163.40, सऊदी रियाल बाइंग एट 42 रुपीज, सेलिंग वाज 42.50, यूएई दिरहम बाइंग एट 43.50, सेलिंग वाज 44 रुपीज, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 506 रुपीज, सेलिंग वाज 508.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट। करेंसी वाइज हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव जेस्चर रुपी के अंदर डॉलर के अगेंस्ट, इट मींस के एप्रिसिएशन नजर आ रही है। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात करते हैं। सलमान साहब, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, कितना पॉजिटिव जेस्चर है मार्केट के लिए अगर हम बात करें, और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इम्पोर्ट करते हैं ज़्यादा उनके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है ये? देखें, ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। सारी चीज़ें अच्छी हैं इसमें, जितना डॉलर वीक होता है हमारे कर्जे भी कम हो जाते हैं, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ये चूंकि एक तो जो रोशन आपने पाकिस्तान अभी जो इसकी बात की थी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू हियर, आपने अभी टेक्सटाइल सेक्टर की बात की थी कि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा था पहले, तो अब उस पर हर्ट नहीं होगा वो कि डॉलर अब थोड़ा सा वीकेंड हो रहा है? उस टर्म में नहीं है, डॉलर एक नॉर्मल उसमें कर रहा है और टेक्सटाइल के ऑर्डर सारे बुक हो चुके हैं, लेकिन 40-45% जो एप्रिसिएशन हमने डॉलर में देखी, सारा डॉलर पर ही डिपेंड नहीं करता है, बट एक इसका एक हिस्सा, एक चीज़, एक अच्छी चीज़ होती है जो इसके ऊपर असर करती है। डॉलर जब 60 रुपये होता था उस वक्त तो हाईएस्ट टेक्सटाइल होती थी, तो ये एक लिमिटेड हद तक इसका इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि सारा डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। हाउएवर डॉलर अगर ज़्यादा वीक होता है तो यकीनन ये थोड़ी सी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होगी, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगी, वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अकाउंट फार हो जाती है और उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट आता है उसमें वो एडजस्टेड होती है, नेट लॉस नहीं होता है। और आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे रोशन डिजिटल अकाउंट? जी, रोशन ये जो बिकॉज डॉलर इज डिक्लाइनिंग, कुछ चीज़ें हैं, कुछ अकाउंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पे रूल सख्त करे गए हैं, इसी तरीके से जो खुलेआम डॉलर्स का इस्तेमाल बाहर ले जाना ये करना, इस पर बड़ी सख्तियाँ हो रही हैं। साथ साथ रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट में काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है, ये वो वजूहत हैं जिसके से हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो हमारे डेप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। राइट, और ये रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है, 162 हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इट मींस इट्स अ गुड साइन। लॉन्ग टाइम, या आफ्टर लॉन्ग टाइम। सर, ये भी बताइए कि ओवरऑल गोल्ड प्राइस भी लोकल